नोकिया की ऐड आई, आई नोकिया की, जैसे पहले वीवो ने नाक में दम किया था ना, अभी ये नोकिया ने नाक में दम कर दिया। लेकिन क्या करें, स्टॉक है, खाली करना है तो खर्चा थोड़ा करेंगे ना खाली करने के लिए। और इतना लोगों ने मिस किया कि अहमद खान किधर है, अहमद खान के बिना टेक्नोस मिसिंग है, ये वो, बहुत मजा आ गया। एनीवेज अहमद खान भाई, लीव एप्लीकेशन दिए बिना आप नहीं जा सकते, आप एब्सेंट नहीं रहना चाहिए, आपको प्रेजेंट रहना चाहिए, टाइम स्टैम्प देना बहुत ही जरूरी है, लोग देखो कितना आपको मिस करते, कितनी फॉलोइंग है आपकी, मुझे भी पीछे छोड़ दिया। एनीवेज यहां पे आज भी बहुत ही गर्मागर्म टेक न्यूज लेके आ गया, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करें तो शुरुआत करते हैं यहां पे यूट्यूब से, और अगर आप ट्विटर पर यूट्यूब इंडिया को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि यूट्यूब कुछ दिनों से सटिया गया था। मैं एक्चुअली में कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे से पोस्ट कर रहे थे लंबे लंबे गाने विदाउट स्पेस के, लोग बोल रहे थे कि भाई इसको हुआ क्या, ये पागल हो गया, इसको इलाज की जरूरत है वगैरह वगैरह, लोगों ने खूब ट्रॉल किया था। लेकिन नहीं, यूट्यूब एक्चुअली में एक हाइप क्रिएट कर रहा था उनकी नई सर्विस को, ऐसे तो ग्लोबली तो थी, अब उन्होंने इंडिया में लॉन्च कर दिया और वो है यूट्यूब म्यूजिक और यूट्यूब प्रीमियम। जी हाँ, अब यूट्यूब म्यूजिक नाम से डिफाइन कर रहा है, मंथली 99 रुपीज पे करना है अगर आपको एड फ्री वर्जन चाहिए, जहां पे आप लोग सारे म्यूजिक वीडियो सुन सकते हैं, बैकग्राउंड में इसका मजा उठा सकते, और ये जैसे कि Google Play Music, Spotify, उसके कंपटीशन में आया है। लेकिन उसमें एक ad supported version भी आता है जो free है, लेकिन उसमें आपको ads को झेलना पड़ेगा। अब YouTube Premium की बात करें तो भाई ये सबसे बढ़िया है, 129 रुपीस monthly subscription इसका आपको देना है, जहाँ पे YouTube app के जो videos आप देखते हैं ना, वो पूरे के पूरे ad free आपको मिलेंगे। जो YouTube Music Premium service है ना, वो भी complimentary आपको इसके अंदर मिल रही है, उसके अलावा आपको YouTube original के कुछ contents भी दे रहा है, प्लस ऑफलाइन में भी आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में अगर आप नए हैं, एकदम से न्यू है, तो 3 महीना आपको इंट्रोडक्टरी ऑफर भी मिल रहा है, फ्री में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कुछ एलिजिबिलिटी है उसके लिए। तो जाइए इंडिया में YouTube म्यूजिक, YouTube प्रीमियम की सर्विस का फायदा उठा लीजिए और कुछ मत करिए, सिर्फ सुनिए और मजे करिए। तो यहां पे Realme की तरफ से खबर आ रही है, और Realme 3 कल दोपहर के 12 बजे जो वो सेल पर गया था, और लगभग से कल के दिन उन्होंने दो सेल रख दिया था, एक दोपहर के 12 बजे और रात के 8 बजे। उन्होंने यह बताया कि दोपहर के 12 बजे वाले सेल में हमने 1.5 लाख Realme 3 को जो वो सोल्ड किया कुछ मिनट्स के अंदर, और शाम के 8 बजे 60,000 और हमने सोल्ड कर दिया, मतलब 2,10,000 उन्होंने Realme 3 को कल उन्होंने जो वो सोल्ड किया। और वो लोग Redmi Note 7 से बता रहे थे, क्योंकि Note 7 तो सिर्फ 2 लाख सोल्ड हुआ था ना, इन्होंने 10,000 ज्यादा सोल्ड किया, तो मतलब ये लफड़ा सेल में भी चलता रहता है इनका। एनीवेज दूसरा सेल होने वाला है 19 मार्च को, अब देखते हैं कि क्या होता है उसमें। Realme 3 Pro का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लीक्स तो मैं आपको देता रहूंगा, आपको टेक्नोस में ही पता चलेगा। अगर बात करते हैं यहां पे सेल की, तो Xiaomi का जो Redmi Note 7 Pro है, आज इसका पहला सेल था दोपहर के 12 बजे, और बहुत सारे लोग इतने मायूस हुए कि मैं आपसे क्या बताऊं। सबसे पहले तो यहां पे मेजोरिटी तो लोगों को नहीं मिला, कुछ सेकंड्स के अंदर ही यहां पे जो वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, और वो भी सिर्फ 4 और 64 GB वाले वेरिएंट की बात कर रहा हूं। 6122 सेल पे गया ही नहीं था, काफी सारे लोग कमेंट कर रहे थे जब मनु कुमार ने कहा कि हमने कुछ सेकंड्स में सोल्ड कर दिया ट्विटर पर, तो लोगों ने कमेंट करके बोला कि भाई ठीक है, हमको तो मिला नहीं, और दूसरी बात तो हम 6122 का वेट कर रहे थे, वो तो आपने सेल पर डाला ही नहीं था। तो नोट 7 प्रो भाई देखो, ऐसा होता जब कोई फोन इतना अंडररेटेड होता है ना, तो उसमें यही प्रॉब्लम होती है कि हाथ में आता ही नहीं है, यहां तक कि लोग कमेंट करके बोलते भाई 1,000 रुपए हम ज्यादा दे देंगे, लेकिन भाई तुम सेल बराबर करो ताकि हमें फोन मिल जाए, तो ये सीन हुआ था। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि Redmi Note 7 Pro को आपने सक्सेसफुली परचेस किया था नहीं किया था, वो कमेंट बॉक्स खुला है, आप मुझे खुल के बता सकते हैं। तो यहां पे दोस्तों रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के अंदर 21 साल के एक लड़के को जो वो अरेस्ट कर दिया गया, जो कि एक आईटी वर्कर है, और यहां पे पता चला कि wickedgen.com वेबसाइट ये लड़का चलाता था, उस पे Netflix और Spotify के आईडी पासवर्ड को सोल्ड करता था, मतलब जो सब्सक्रिप्शन सर्विस मिलती है ये भाई उनको सोल्ड करता था, कहां से हैक करता था पता नहीं, और लगभग से 3 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसने अभी तक प्रॉफिट कमाया है। उस वेबसाइट पर 1,20,000 से ज्यादा यूजर्स थे जो वहां पे जाते थे और उनसे लेते थे इस लड़के से, और ये भाई पैसे कमाता था। फाइनली इसको अरेस्ट कर दिया गया और कोर्ट में इसकी पेशी हो रही है। व्हाट हैपेंड गाइस, मैन यू हैव सो मच पैशन, यू हैव सो मच, कभी कभी इंग्लिश नहीं बोलने की कोशिश करता हूं लेकिन कचरा हो जाता है। सैमसंग की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, और सैमसंग ने रिसेंटली एक नया पेटेंट फाइल कर दिया है, और वो है उनके नए स्मार्ट वेरेबल स्मार्टफोन के लिए। जी हाँ, नूबिया अल्फा करके अभी एक स्मार्ट वेरेबल फोन मार्केट में अवेलेबल है, जो आपको कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। लेकिन सैमसंग नहीं, सैमसंग दो कदम आगे चलता है, क्योंकि 2019 तो भी फोल्डेबल स्मार्टफोन का समान है, गैलेक्सी फोल्ड, हुआवे मेटेक्स, ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन सैमसंग कुछ और ही सोच रहा है। अभी स्मार्ट वेरेबल फोन आप देखेंगे कुछ इस तरीके का दिखता है, जहां पे पतला सा लंबा सा ये मिल
रहा है उसके पतले होने की वजह ये कि आप अपने रिस्ट में उसको जो वो फ्लेक्सिबली तरीके से इसको पहन सकते हैं। आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा भी मिलेगा, ऊपर और नीचे बेजल्स देखने को मिल रहे हैं, पीछे डुअल कैमरा है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको कुछ मिलेगा। तो ये है सैमसंग का लेटेस्ट स्मार्ट वेयरेबल स्मार्टफोन। अब ये कभी आएगा इतना तो नहीं पता, लेकिन इसको सैमसंग ने पेटेंट फाइल किया है जो आपको बहुत ही जल्दी शायद से कभी ना कभी जो वो देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों PUBG मोबाइल के अंदर आप लोग एक नया अपडेट बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा और जो है 0.11.5 वाला। फिलहाल के लिए ये बीटा के अंदर है जिसकी जो साइज है वो 1.7 GB की है। जी हाँ, तो सोच लो कितनी सारी चीजें उन्होंने ऐड करी है। बताया जा रहा है कि इसमें आप लोगों को G36C वाली जो नई राइफल मिलेगी और तुकशाई करके नहीं आपको एक ऑटो रिक्शा मिलेगी जो सैनॉक में सिर्फ एक्सक्लूसिव होगा। उसके अलावा जॉम्बी मोड में नए नए चेंजेस वो लोग कर रहे हैं, आउटफिट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें उन्होंने फिक्स करी है और बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐड करी। तो काफी लंबा और बड़ा सा अपडेट है जो बहुत ही जल्दी, फिलहाल के लिए तो बीटा में है, और बहुत ही जल्दी ऑफिशियली भी आपको कुछ टाइम के अंदर जो वो देखने को मिल जाएगा। सैमसंग का जो गैलेक्सी A90 जो है ये बहुत ही जल्दी लॉन्च हो सकता है और अभी US की कुछ ऑफिशियल वेबसाइट पर जो वो देखा गया है और यहां पे जहां पे ये देखा गया है वहां पे Asphalt 9 का भी जिक्र किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये फोन में Asphalt 9 की आपको कुछ एक्सक्लूसिव चीजें भी जो वो देखने को मिलेगी जो आपको भी रिसेंटली S10 के डिवाइसेस में भी देखने को मिल रही है। तो इससे ये हिंट भी मिल रहा है कि ऑब्वियसली आपको प्रोसेसर इसमें बहुत ही पावरफुल जो वो देखने को मिल सकता है। अभी A90 में उसके अलावा क्या होगा ये तो नहीं पता, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, पॉप आउट कैमरा होगा, ये तो बातें हो ही रही है। अब कितना जल्दी लॉन्च होगा जैसे आएगा मैं आपको जरूर से इसके बारे में भी बता दूंगा। उसके अलावा A70, हमने तो अभी A60 के A40 के सबकी सुना था लेकिन A70 का नहीं सुना था। अभी A70 भी यहां पे जो उसकी कुछ बैक के लीक हुए जहां पे आप देखेंगे इसमें आपको ट्रिपल कैमरा दिखाई दे रहा है और साथ में ऐसा बताया जा रहा है कि आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें भी मिलेगा क्योंकि पीछे कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर का कटआउट नहीं है। तो कुछ इस तरीके का A70, मतलब 8 से 9 फोन तो हमने पहले सुना था कि सैमसंग A सीरीज में लॉन्च करेगा। तो ये धड़ फोन आपको जो वो दिखाई दे रहे हैं। अब क्या कुछ आएगा, कितना जल्दी इंडिया में आएगा, मैं आएगा तो जरूर से आपको इसके बारे में भी बता दूंगा। तो Xiaomi का जो Redmi 7 है दोस्तों ये ऑफिशियली कंफर्म्ड हुआ है कि 18 मार्च को ये Xiaomi के Redmi Note 7 Pro के साथ में चाइना के अंदर लॉन्च होगा और अप्रैल के महीने में आपको इंडिया में भी जो वो देखने को मिलेगा। जी हां, अब Redmi जो 7 होगा इस बार इसमें आपको 4000mAh की बैटरी मिलेगी, ये भी कंफर्म्ड हुआ है। Redmi 6 में देखते तो आपको 3000 की थी, इसमें 4000mAh की बैटरी है। Snapdragon 632 वाला प्रोसेसर होगा, Redmi 6 में P22 था, इसमें 632 है, तो बहुत ही इंप्रूवमेंट उन्होंने करी है। Infinity U वाले डिस्प्ले है, मस्त एकदम ग्लॉसी वाला बैक आपको मिलेगा। फोन वैसे काफी प्रॉमिसिंग और काफी अच्छा अपग्रेड उन्होंने किया है। 18 तारीख को ये आने वाला है, अब देखते उसके बाद अप्रैल में इंडिया में कितना जल्दी लॉन्च होता है जैसे ही आएगा, क्योंकि रिटेल बॉक्स भी Xiaomi के जनरल मैनेजर लू वेबिंग ने भी शेयर कर दिया, तो कुछ इस तरीके का बॉक्स भी आपको मिलेगा। देखते हैं जैसे ही आएगा मैं आपको जरूर से Redmi 7 के भी बारे में बता दूंगा। तो ये Honor की तरफ से खबर आ रही है और Honor का एक नया स्मार्टफोन हम सभी लोगों को बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। काफी टाइम बाद शायद से इंडिया में भी ये लॉन्च होने वाला है। Honor 10 Lite अभी जनवरी में इंडिया में लॉन्च हुआ था, 10 से 15 के बीच में था प्राइस में, और Honor 10 भी था कुछ 25000 के आसपास था। अभी ये जो Honor 10 i जो आएगा ये 15 से 20 के बीच में यहां पे हो सकता है। अभी यहां पे लाइव पिक्चर आई है एक रशियन ब्लॉग के द्वारा हमें पता चल रहा है। आपको ट्रिपल कैमरा पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है जो कुछ 24, 8 और 5 मेगापिक्सल का होगा। 32 मेगापिक्सल की सेल्फी भी होगी। आपको किरिन 710 वाला प्रोसेसर मिलेगा, 4 GB की रैम, 128 GB की स्टोरेज होगी और सामने देखेंगे वाटरड्रॉप नॉच वाली आपको डिस्प्ले भी दिखाई दे रही है। अभी ये कभी आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन अभी लीक हुआ तो उसका मतलब Honor 10 i करके एक फोन बहुत ही जल्दी आएगा और शायद से 15 से 20 हजार के बीच में इसकी प्राइस यहां पे हो सकती है। क्या आपको पता है कि Instagram जो है वो 2010 में उसने अपना जो वो डेब्यू किया था और जुलाई 16 2010 में सबसे पहली पिक्चर पोस्ट करी गई थी और वो एक डॉग की थी। जी हाँ, तो आज की रेड न्यूज़ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की रेड न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोगों के लिए डेली रेड न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।